हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मसाला पनीर की रेसिपी। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। मैंने गैस पे रख रखा है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। आप जो भी तेल यूज़ करते हैं वो लीजिए। और मैंने थोड़े से कढ़ाई में डाला है ज़ीरा, और हल्का सा गर्म हो जाने के बाद थोड़े से दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, इलायची और बड़ी इलायची लिया है, और 5 से 6 कलियां लहसुन की, और थोड़े से अदरक का टुकड़ा। अब इन सारे को थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं तेल में। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे 2 प्याज, और प्याज को बहुत ज़्यादा पतले बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम प्याज को पीसने वाले हैं। तो मैंने बड़े बड़े ही टुकड़ों में काटा है, और अब इसे भून लेते हैं। और अब जो प्याज का कलर है वो चेंज होने लगा है, और मैंने प्याज में थोड़े से चुटकी भर नमक डाला था, इससे है कि प्याज जो है वो जल्दी भून जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो मैंने लिया है यहाँ पे 2 टमाटर, जिसे बड़े बड़े ही टुकड़ों में काटा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन सारे चीज़ों को हमें पेस्ट बनाना है। तो अब टमाटर को थोड़ी सी मैं नमक इसमें और डालूंगी, और नमक डालने के बाद ढक ढक कर इसे टमाटर को गल जाने तक पका लेंगे, ताकि जो टमाटर है वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। ये मैंने थोड़े से नमक डाला है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं, जितना टमाटर प्याज है उस हिसाब से ही नमक हमें यहाँ पे डालना है। और अब इसे ढक ढक कर सॉफ्ट हो जाने तक पका लेते हैं। इसको होने में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और ये आप देख सकते हैं टमाटर और प्याज जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 10 से 12 काजू, और इसे टमाटर प्याज में ऐड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। और फिर से मैंने कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल और ज़ीरा, 1/2 चम्मच के करीब ज़ीरा है ये, और 2 से 3 खड़ी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता। और अब ऐड करेंगे इसमें मसाले। तो इस मसाले में मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर, जो कि 2 चम्मच मैंने लिया है, हल्दी पाउडर, और ये तीखी वाली मिर्ची पाउडर है। तो मैं बहुत ज़्यादा तीखी सब्जी नहीं बनाती हूँ, तो बस थोड़ा सा ही डाला है। और काली मिर्च और जीरा का पाउडर मैंने छोटे चम्मच से, 1/2 चम्मच से भी कम ऐड किया है। और अब ऐड कर देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था टमाटर प्याज काजू का, और इस पेस्ट को बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल जो है वो रिलीज ना होने लग जाए। मैंने जार को धोकर थोड़े से पानी डाला है, और अब इसे भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा भूनने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी टमाटर प्याज को अच्छे से भून लिया है, तो ये पेस्ट जो है वो भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये आप देख सकते हैं जो मसाले हैं उससे ऑयल रिलीज होने लगा है। तो उस टाइम पे हम अब इसमें ऐड करेंगे घर की मलाई, जो कि 1 चम्मच के करीब मैंने लिया है, और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। और ये देखिए आप, जैसे ही हमने इसमें मलाई ऐड किया, ऑयल कितने अच्छे से मसाले से जो है रिलीज हो गया है। उसके बाद मैंने डाला है इसमें पानी। पानी आप अपने हिसाब से लीजिए, जैसा कि आप ग्रेवी पसंद करते हैं। और ग्रेवी से बॉयल आने लगा है, तो अब मैंने ऐड कर दिया है इसमें पनीर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग अब नमक डालेंगे इसमें, क्योंकि हमने टमाटर प्याज में उसके हिसाब से ही नमक डाला था। और ये सब्जी से बॉयल आने लगा है, और ये आप देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना बढ़िया आया है, और कितना टेस्टी लग रहा है देखकर ही। अब ऊपर से डालेंगे थोड़े से धनिया का पत्ता, और ये लीजिए मसाला पनीर बनकर तैयार हो गया।